से मैं बहुत परेशान हूँ, ना तो मेरे से नोड़ा जा रहा और ना सही से लेटा जा रहा। अब मैं एक वो बीमारी ने और पकड़ ली, अभी पता नहीं कैसे सही होएगा। Hey guys, welcome back my new vlog। जैसे कि मैंने कल गाइस कल से मेरी तबीयत बहुत बहुत ठीक है, इतनी ठीक है कि आज मैंने सॉरी घर की सॉरी सफाई करी, क्योंकि 5-6 दिन से हुई नहीं थी क्योंकि मैं बीमार थी और मैं घर की काम वाली बाई हूँ, तो इस वजह से सफाई हुई नहीं थी। फिर मैंने बाथरूम को बहुत अच्छे से साफ किया क्योंकि उसकी भी सफाई नहीं हुई थी। मम्मी की भी फीवर नहीं है गाइस, आदि को भी फीवर नहीं है, बस कमजोरी है हमारे अंदर, वीकनेस है बहुत ज्यादा क्योंकि इतने टाइम से बहुत फीवर रहा है, तो इसलिए बाकी ऐसे बहुत ठीक है गाइस, ठीक है हम और भी अच्छे से ठीक होंगे। इतना तो है कि कल जो मैं ब्लॉग बना रही थी, कल मेरे बिल्कुल भी जान नहीं थी बनाने की, और आज मैं अच्छे से बना पा रही हूँ और कल और भी इम्प्रूव होगा, कल और भी अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी गाइस। अभी मैं जस्ट ब्लॉग बनाने के लिए रेडी हो रही थी तो देखो एकदम से बारिश आई, मतलब मौसम तो था बारिश होने वाला पर बारिश होगी नहीं, ठीक है इतना जरूर पता था, पर एकदम से इतनी टप 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 बारिश पड़ी, सारे में गीला गीला हो गया गाइस, और मैं यहीं पे जो थोड़ा सा एरिया बचा है सारी ना पैरी गीली हो गई, गीला हो गया, देखो पतली सी हूँ मैं तो थोड़ी सी जगह में आ जाती हूँ, बाकी गीला हो रहा है सारा, तो बारिश पड़ चुकी है, अब देखो ठंडा मौसम हो गया, सुबह बहुत गर्मी हो रही थी, तो यही रीज़न है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह या तबीयत वगैरह उनकी ख़राब है, सिर्फ यही रीज़न की वजह से और कोई रीज़न नहीं है। सुबह गर्मी होती है और शाम को मतलब मौसम ठंडा हो जाता है। कि हम छत पर चलते हैं, मम्मी से पूछते हैं मम्मी की तबीयत कैसी, चुमक चल लो साइड हो, मेरे को गाइस छत पे लेके जा रही हूँ क्योंकि नीचे तो गर्मी लग रही है। कल से आपकी तबीयत कैसी है मेरी जनता को बता दो जरा। जनता को मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी सूरत पे मत जाना गाइस, उनके दर्द पे जाना जो अंदर दर्द है। दर्द तो मेरा ये है कि मेरी ये सबसे बड़ा दर्द है, ठीक है ना, बुखार भी था, कमजोरी भी थी, एक चीज और आ गई कमर में चलका, पता नहीं कैसा हो गया मेरी कमर में चलका, और से मैं बहुत परेशान हूँ, ना तो मेरे से नोड़ा जा रहा और ना सही से लेटा जा रहा। अब मैं एक वो बीमारी ने और पकड़ ली, अभी पता नहीं कैसे सही होएगा। इस मम्मी को ना गिफ्ट में एक बीमारी मिलती मिलती है, एक ठीक होने वाली होती है तो दूसरी मिल जाती है। नहीं बनी इससे सबसे ज्यादा टेंशन तो मुझे इस चीज की है कि ये बहुत बड़ी मेरे ये चैनल पे कई दिन हो गए मेरी रेसिपी भी नहीं बन पा रही है मेरी तबीयत की वजह से। पर मम्मी मेरा भी कहना यही है, देखो मैंने भी 2 दिन का गैप लिया आपकी बात, मैं हमेशा बोलती थी नहीं मैं तो बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मौत क्यों ना आ जाए। तो बनाने की छोड़ो, हिम्मत भी नहीं हो रही है बनाने की, पर वही है ना गाइस, जब शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो कैसे कर पाएंगे, कैसे आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, कैसे आप लोगों को हम अपना वीडियोस देंगे, मम्मी अपनी वीडियोस देगी या मैं ब्लॉग दूंगी अच्छे अच्छे, हालांकि मैं अच्छे देती हूँ गाइस, आप भी बत्ती सी दिखा रही हूँ बराबर आपको। तो आप ठीक करवा लो ना, ऐसी गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठोकर लगाऊंगी, ठोकर करवाने वाला ना, ठोकर मारने के लिए मैं मार दूं ना, वो 3 सेकंड होगा, मैं औंधी पैदा नहीं हुई ना, औंधी जो औंधे होते वो करते हैं ना, मैं औंधी पैदा नहीं हुई गाइस, बारिश हो रही है, देखो मौसम तो बढ़िया हो रहा है, चाय पकौड़े मिल जाते हैं तो बात ही अलग होती, पर चाय पकौड़े कौन बनाएगा गाइस, स्वाति की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तो खुद ही ठीक नहीं है, किस्तों पे मैं काम कर रही हूँ, कौन बना के देगा, मम्मी नौकरा नहीं रख लो चाय पकौड़े बना के दे देगी, मेरी बीमारी में महंगी महंगी फरमाइश है गाइस। तो हाँ मैंने आज बहुत सारा काम किया था, तो मैंने खाना नहीं खाया था, रोटी मैंने नहीं खाई, खाना ना खाया मुझे खा ही नहीं जा रहा, वो कड़वी सी लग रही है बहुत ज्यादा, तो मैंने रोटी नहीं खाई थी, मेरे लिए बची भी नहीं थी इतना सच बताऊँ, और मेरे खाने का मन भी नहीं था, मैंने मम्मी को फोन किया कि मैंने इतना सारा काम किया मेरे लिए कुछ बचा है नहीं, तो मेरे लिए छोले भटूरे लेकर आना, जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरा जो पसंदीदा चीज होती है मुझे वो मिल जाए तो मैं ठीक हो जाती हूँ, है ना मम्मी, हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मेरे को बुखार वगैरह हो मेरे को मेरी मनपसंद चीज दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो आज मैंने मम्मी से बोला छोले भटूरे लेके आना, मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी गई छोले भटूरे, फिर मैंने छोले भटूरे खाए, मैंने अकेले ने नहीं खाए, मम्मी को भी दिए थी गई, मैंने स्वाति को भी दिए थे, आदि को भी दिए थे, मतलब मैं शेयर करने वाली लड़की हूँ, तो मैंने सबको हाफ हाफ दिए, मेरे को थोड़ा सा मिला था पर कहीं नहीं मिला तो गई मेरे छोले भटूरे, मैं बड़ी खुश छोले भटूरे खा के, फिर उसके बाद मैंने फोन देखा थोड़ी देर, फिर अब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मौसम इतना अच्छा हो रहा है गाइज वैसे तो, और
बारिश पड़ रही है, देखो हल्की हल्की सी पड़ रही है, देखो चाय पकौड़ी मिल जाती इस मौसम में तो बात ही कुछ अलग होती, पर चाय पकौड़ी बनाएगा को। पापा ने चला दिया है हमारे पंखा, मौसम इतना अच्छा था, पंखा क्यों चलाया आपने? मैं लेट चुकी हूँ गाइस, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे आराम कर करके ही काम किया जाएगा गाइस, एक साथ तो नहीं किया जाएगा। थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आपसे।